कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य के सुपुत्र मार्तंड सिंह आजकल पिता के लिए कटरा में जोरों शोरों से कैंपेनिंग कर रहे हैं। मार्तंड का कहना है कि राहुल गांधी ने बड़ी सशक्त युवा टीम बनाई है। आज कटरा में इस शानदार स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इलेक्शन का माहौल है, बड़ा अच्छा माहौल बना है, केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं पर मेरे सभी नौजवान साथियों के लिए बहुत अच्छा माहौल बना है। इस कारण क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा मौका है, बदलाव का मौका है। हमारा एक रिश्ता है, ये कोई नया रिश्ता नहीं है, ये एक 200 साल पुराना रिश्ता है हमारे परिवारों का और हमारे पूर्वजों का। हमारे परिवारों ने और पूर्वजों ने मिलकर इस रियासत को बनाया था। आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि एक मौका मिला है आप सभी से मिलकर ये रिश्ते को जिंदा रखने का और इसको आगे बढ़ाने का। महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर महाराजा हरि सिंह जी तक हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ समाज सेवा की। मेरे दादाजी महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी हमारे बुजुर्ग के आशीर्वाद के साथ हमारे क्षेत्र से, आपके क्षेत्र से, उधमपुर डोडा कठुआ से 4 बार सांसद रहे। उन्होंने रियासी का नाम रोशन किया बहुत सारे विकास कार्य के साथ। मैं बनिहाल का रहने वाला हूं, वहां पे हमारे जो एमएलए साहब है विकास रसूलवानी साहब, हम लोगों ने उनको 4 बार जिता दिया वहां पे, क्योंकि उनके अंदर क्या है, उनके अंदर लोगों के दिल, मतलब लोगों के लिए प्यार है, लोगों को अपना मानते हैं, लोगों का काम करते हैं। वो अगर 2 बजे भी रात को लोग मतलब उनको बुलाए, यहाँ पे कोई समस्या है, कोई प्रेग्नेंट, अभी बर्फ में प्रेग्नेंट 2 लेडीज फंसी वहां पे, मतलब कोई साधन नहीं था गाड़ी का आने जाने के लिए, उन्होंने स्पेशल हेलीकॉप्टर में उनको भेजा। वो मंत्री होते हैं, ये मंत्री इनके लिए शेम है, शेम। मैं बनिहाल का रहने वाला हूँ, रामबन डिस्ट्रिक्ट बनिहाल, मगर शेम 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 कटरा के लिए, क्योंकि कटरा में मुझे 7 साल 8 साल हो गए, 7 साल से मैं देख रहा हूँ रोड की हालत, खुद हम नालियां साफ करते हैं, यहाँ की म्युनिसिपैलिटी, यहाँ के मतलब जो हमारे एमएलए साहब जो रहे नंदा जी बीजेपी के, बिल्कुल एक बार भी उनको देखा नहीं है, एक बार देखा हुआ है। सब लोग वोट मांगने के लिए आए थे, बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, मगर हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल बीत गए, अब और 5 साल आने वाले हैं, अगर आप लोगों ने उनके सामने वो डंडा बन जाना है, उनको वोट डालिए। देखिए, इस उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा क्षेत्र से मेरे दादाजी महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी 4 बार सांसद रहे लोगों के आशीर्वाद के साथ। तो बहुत लोग और परिवार हमारे परिवार से जुड़े हैं और हमारा एक 200 साल पुराना रिश्ता है हमारे लोगों के साथ और हमारे पूर्वजों के साथ। तो एक बड़ा मौका मिला है हमें एक ये इस रिश्ते को ज़िंदा रखने का, और ख़ासकर मेरे पिताजी विक्रमादित्य सिंह जी जो इस क्षेत्र के प्रत्याशी है, और मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला है हमारे युवा पीढ़ी के साथ रीकनेक्ट करने का। और इनके जो खास मुद्दे हैं जो पिछले 5 साल में भाजपा सरकार द्वारा इग्नोर किए गए और साइडलाइन किए गए, एक मौका है इन मुद्दे को एक मजबूत आवाज़ देने का और इनमें सुझाव लाने का। आप युवा नेता हैं और हर बार युवा को दरकिनार करती है कांग्रेस, सीनियर लीडर्स को ऊपर ले जाती है, युवा को जोड़ने में क्यों कांग्रेस हमेशा ही पिछड़ते रही? नहीं, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप देखिए, राहुल गांधी जी की जो नई टीम है खासकर सेंटर में, उसमें सारे युवा नेता भाग ले रहे हैं। और आप देखिए, राज्य सरकारों में खासकर जो नए राज्य सरकार बने हैं उनमें भी युवा शक्ति की एक अहम भूमिका है। और आप इस इलेक्शन में देखिए,
जो हमारे NSUI और यूथ कांग्रेस की टीम्स है वो कितनी कोशिश कर रहे हैं पार्टी को जिताने में और काबिल करने में।